किसी का टारगेट प्रॉफिट 10 ट्रेड में जाके अचीव हो रहा है, जिसमें वो 2-3 लॉस कर रहा है, 7 विन कर रहा है, वो भी उसके लिए आइडियल माना जाएगा। लेकिन मैटर वो ही करता है कि कितनी एक्यूरेसी के साथ आप अपना ट्रेड विन कर पा रहे हो। हे गाइस, वेलकम बैक, दिस फॉरेक्स मॉन्क हियर। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। सो आज की हमारा इस वीडियो का टॉपिक है हाउ मैनी ट्रेड्स आर आइडियल इन अ डे, एक दिन में कितने ट्रेड आइडल ट्रेड होते हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं, राइट? और कितने ट्रेड एक्सेसिव ट्रेड की कैटेगरी में आ जाते हैं, ट्रेड का वो कौन सा लेवल है जो एक्सेसिव ट्रेड की कैटेगरी में आता है, और वो कौन सा लेवल है जो कम ट्रेड की कैटेगरी में हमारा फॉल करता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। नए हो तो चैनल को यार अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो आज अपन इस वीडियो में आपको एक आइडियल ट्रेड की कैटेगरी बताने वाला हूँ कि वो ट्रेड कितने ले सकते हो आप, 10 ट्रेड, 12 ट्रेड, एक दिन में कितने ट्रेड आपके लिए वैल्यूएबल रहने वाले हैं। सो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉरेक्स मॉन्क का एक टेलीग्राम ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप, राइट? वहाँ पे हम ट्रेडिंग सिग्नल्स देते हैं एवरी 12 PM या 1 PM को लाइव मार्केट में, ठीक है? वहाँ पे हम जब लाइव सिग्नल्स देते हैं तो मैं जो लाइव सिग्नल्स देता हूँ उसमें मैं एक बार उन्हें एक्यूरेसी चेक कराता हूँ अपने मेंबर्स को, उन्हें अच्छे से ट्रेड देता हूँ और उन्हें प्रॉफिट कराता हूँ, ठीक है? वो मेरा पब्लिक ग्रुप है। मेरा एक फॉरेक्स मॉन्क का VIP ग्रुप अलग है, वो पब्लिक ग्रुप है, आपको देखना हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो, राइट? सो वहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, हमने जैसे सपोज करो 3 सिग्नल दिए, 4 सिग्नल दिए और चारों के चारों हमारे सिग्नल्स विन हो गए, ठीक है? बैक टू बैक शॉर्ट शॉर्ट हो गए, और कई बार ऐसा हुआ भी है कि 4 सिग्नल्स दिए, चारों विन हो गए, एक भी लॉस नहीं हुआ, या 5 सिग्नल दिए, 5 विन हो गए, एक भी लॉस नहीं हुआ। सो इस केस में क्या होता है कि जैसे हमने अपनी ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट प्रॉपर करके ट्रेडिंग करी, तो यहाँ पे हमारी अगर $100 की कैपिटल है तो हमें $20 से $25 का यहाँ पे गेन हो जाता है अगर हम $5 पर ट्रेड ले रहे हों, ठीक है? तो हमारा वो एनफ प्रॉफिट माना जाता है। और वहाँ पे हम अपना सेशन रोक देते हैं, वहाँ पे हम सेशन फर्दर कंडक्ट नहीं कराते बिल्कुल भी। उसके पीछे रीज़न यही है कि देखो यार, कभी भी ना प्रॉफिट की कभी कोई लिमिट नहीं होती, लॉस की लिमिट होती है आपकी कैपिटल। आपका कैपिटल 0 हो सकता है, दैट इज़ अ लॉस, प्रॉफिट कितना भी हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, राइट? सो यहाँ पे मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि एक्यूरेसी किस तरीके से आ रही है आपकी इन आ डे, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको किस तरीके से अपने कितने ट्रेड लेने हैं कि डिसाइड करना है, राइट? सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज करो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैंने स्टार्टिंग में सिग्नल्स देना स्टार्ट करा, मेरे शायद फॉरेक्स मॉन्क कम्युनिटी के मेंबर्स रिलेट करेंगे इस चीज़ को, वहाँ पे मेरे बैक टू बैक पहला, दूसरा, तीसरा सिग्नल भी लॉस हो जाता है, राइट? और उसके बाद थोड़ा सा मोटिवेशन भी डाउन होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ साथ अपने आप पे थोड़ा सा डाउट भी होता है कि भाई आज एनालिसिस ठीक नहीं बैठ रहा, या आज थोड़ा सा जो कैंडल्स का वो है वो वॉलेटिलिटी में ज़्यादा जा रहा है कैंडल्स का स्ट्रक्चर। बट फिर भी हम क्या करते हैं, अपना ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू रखते हैं। 3-4 लॉस होने के बाद फिर हम बैक टू बैक, जब एक्यूरेसी हमारी सेम सेशन में सेम टाइम पे वापस आती है, तो अभी शायद लास्ट वीक की बात है, लास्ट में 5 बैक टू बैक शॉर्ट शॉर्ट दिए थे स्टार्टिंग में 2-3 लॉस करके, ठीक है? तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास मेंबर्स के मैसेज आने शुरू हो गए, उनके मैसेज मेरे पास ये आए कि भाई सर अब ट्रेडिंग सेशन रोक दीजिए, हमारे पास एनफ प्रॉफिट हो चुका है, राइट? सो यहाँ पे देखो, मैं अपना एग्जांपल नहीं ले रहा, मैं अपनी कम्युनिटी मेंबर्स का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि हाउ मेनी ट्रेड्स आर आइडल इन अ डे, ठीक है? अगर मैं देखो अपना एग्जांपल लूँगा तो शायद आपका कैपिटल और मेरे कैपिटल में शायद डिफरेंस हो। कई ट्रेडर हैं जो $1,000 से ट्रेड करते हैं, $1,500 से ट्रेड करते हैं, $2,000 से भी ट्रेड करते हैं। मेरे ग्रुप में है
ऐसे मेंबर्स जो बड़ी कैपिटल से ट्रेड करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर ट्रेडिंग विद द कैपिटल ऑफ $100, $200, $300, इस तरीके से वो ट्रेड कर रहे हैं, राइट. अब जब जैसे हम VIP ग्रुप में सिग्नल्स दे रहे थे, अब VIP ग्रुप में हमने सपोज करो 10 सिग्नल्स दिए, ये शायद लास्ट वीक की ही बात है. मैंने इवनिंग सेशन हमारा VIP ग्रुप में होता है, टेलीग्राम का हमारा एक्सक्लूसिव VIP ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे हमने ट्रेडिंग सेशन दिया इवनिंग में, ठीक है. इवनिंग में ट्रेडिंग सेशन देने के बाद, लेट मी चेक, इट्स गेटिंग रिकॉर्डिंग. इवनिंग में सेशन देने के बाद वहां पे मैंने ना स्टार्टिंग में 2-3 विन सिग्नल दिए, वो विन गए, ठीक है. उसके बाद 2 लॉस हो गए, फिर से हमारा विन हो गए, फिर लॉस हो गए. तो ऐसे करते हुए प्रॉफिट लॉस करते हुए ना एटलीस्ट मेरा ना 10 से 12 मैं सिग्नल्स दे चुका था अपने मेंबर्स को, 10 से 12 सिग्नल्स मैं दे चुका था. उसके बाद ना लास्ट में आके लॉस हो गया सबसे लास्ट में, लेकिन हम प्रॉफिटेबल थे. तो मेरे पास मेंबर्स का मैसेज आने लगा कि सर लास्ट वाला लॉस हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम अभी भी प्रॉफिट में हैं, प्लीज ट्रेडिंग सेशन रोक दीजिए. सो यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ आपको बताने के लिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि रियलिटी कैसे काम करती है. आप ही के लोग, आप ही की कम्युनिटी के मेंबर्स, आप ही के ट्रेडर्स, हमारे जो फॉरेक्स मॉन्क से जुड़े हुए हैं, आप ही के सेम लेवल पे, आप ही के सेम ट्रेड कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए आइडल ट्रेड क्या है, हाउ मैनी ट्रेड इन अ डे आर आइडल, वो मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं. सो इवन इफ लास्ट का ट्रेड लॉस भी हो जाए, तो अगर हम प्रॉफिट में हैं और हमें लगता है कि अब हमें ट्रेडिंग सेशन आगे नहीं रिज्यूम करना चाहिए, तो हमें एग्जिट हो जाना चाहिए, वो भी एक आइडल अमाउंट ऑफ ट्रेड है, ठीक है. आइडल, आपने जितना ट्रेड लेना था ले लिया, अब आप एग्जिट हो जाइए, रीजन बीइंग आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही है, दैट मीन समथिंग, ठीक है. तो यहां पर ना अब ये ना डिपेंड करता है, अब आपकी $100 की लेट से कैपिटल है, उसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो, $5 से आपने ट्रेडिंग करना शुरू करा. अब $5 से ट्रेडिंग करना शुरू करा, आपके 3-4 विन हो गए, आपको $20 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है. अब आपने टारगेट प्रॉफिट सेट कर रखा है $25, अभी आपके पास कितना कैपिटल, कितना वो प्रॉफिट हो गया, $20, ठीक है. $5 के लिए आप वो $20 थोड़ी रिस्क में लगा दोगे, राइट. सो इस तरीके से आपको अपने टारगेट प्रॉफिट भी फ्लेक्सिबल रखने पड़ेंगे अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए. उसके साथ साथ आपको एक, मतलब एक जो ट्रेडिंग प्रैक्टिस होती है ना, वो ना सेम ट्रेड हर ट्रेडर्स के लिए सेम नहीं होती. हाउ मैनी ट्रेड्स आर आइडल इन अ डे, इसकी डेफिनेशन ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, ठीक है. अगर किसी की कैपिटल $100 है, उसका टारगेट प्रॉफिट अचीव हो गया है 4 ट्रेड में 5 ट्रेड में, तो वो उसके लिए आइडल है. किसी का टारगेट प्रॉफिट 10 ट्रेड में जाके अचीव हो रहा है, जिसमें वो 2-3 लॉस कर रहा है, 7 विन कर रहा है, वो भी उसके लिए आइडियल माना जाएगा. लेकिन मैटर वो ही करता है कि कितनी एक्यूरेसी के साथ आप अपना ट्रेड विन कर पा रहे हो, राइट. एंड में वो ही मैटर करेगा. मैं थोड़ी सी अमाउंट अपनी बढ़ाऊंगा, रीजन बीइंग थोड़ा सा प्रॉफिट करने का यहां पे टाइम आ गया. आप भी नहीं तो ये कहोगे कि सर हाउ मैनी ट्रेड इन अ डे बता रहे हैं और खुद बैक टू बैक लॉस करे जा रहे हैं, लेकिन आपको मैं ओवरऑल करके दिखाता हूँ. लास्ट में आपको पता ही है, आपका अगर लॉस भी हो जाता है तो मैं रिकवरी करा के दिखाता हूँ अपने ट्रेडिंग सेशन में. सो ये आपको अच्छे से मालूम है. बाकी फॉरेक्स मॉन्क का VIP ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए. VIP ग्रुप ज्वाइन करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है. मेरा लिंक आपको मिलेगा क्योटेक्स का YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे अकाउंट क्रिएट करके मुझे टेलीग्राम पे ट्रेडर ID सेंड करो, देन आई विल एड यू टू द VIP ग्रुप, जहां पे हम डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग में ट्रेडिंग सेशन देते हैं, प्रॉफिटेबल सिग्नल्स देते हैं, मनी एंड डिपॉजिट, यहां पे विड्रॉल गाइड भी प्रोवाइड कराते हैं, मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट गाइड भी आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं, और साथ में आपके लिए ढेर सारे गिव अवेज और लाइव क्लासेस और लर्निंग कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं. सो आप फटाफट से VIP ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट. सो यहाँ पे बेसिकली अभी मैं क्या यहाँ पे रीड कर पा रहा हूँ, एक देखो बुलिश पैटर्न आया है. बुलिश पैटर्न के बाद यहाँ से वो बुलिश पैटर्न अपने इस सपोर्ट से उठा, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ से ये बुलिश पैटर्न उठा. मेरी ये वाली ट्रेड गलती से लग गई, यहाँ पे मेरा इसका इंटेंशन नहीं था लगाने का, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस करी थी, ये मेरे लिए सफिशिएंट था, बट लेट्स सी हाउ इट गोज. सो यहाँ पे बेसिकली बुलिश पैटर्न पे मैंने यहाँ पे
बैक टू बैक ट्रेड प्लेस करे हैं और अभी भी मैं यहाँ पे जो अपना टारगेट प्रॉफिट कंसीडर कर रहा हूँ वो यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ $800 या $1,000 के बीच में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट किस तरीके से यहाँ पे ये हमारा कंडक्ट होता है, यहाँ पे शायद हमारे ये विन हो जाए, ये दोनों तीनों ट्रेड हमारे विन हो जाएंगे, राइट। तीन ट्रेड हैं हमारे, तो यहाँ पे बेसिकली 78% का हमारा सेटलमेंट चल रहा है और यहाँ पे ये दोनों तीनों ट्रेड मेरे विन हो चुके हैं। मैं तीन ट्रेड और लूँगा, अगर मेरे ये तीन ट्रेड विन हो जाते हैं सो यहाँ पे बेसिकली मेरे को टारगेट प्रॉफिट अचीवमेंट हो जाएगा। लेकिन आपको टॉपिक समझाते समझाते मेरे नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो इसे आइडल नंबर ऑफ ट्रेड मत समझ जाना आप लोग, ठीक है। ये आइडल नंबर ऑफ ट्रेड नहीं है। इतनी देर अगर क्योटेक्स के टर्मिनल पे बिताओगे ना आप लोग, वो भी ओटीसी मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, फंस जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो लाइव मार्केट में बिता लो, इतना लंबा चौड़ा समय ओटीसी मार्केट में मत स्पेंड करा करो। ओटीसी मार्केट में तो 10 से 15 मिनट में प्रॉफिट निकालो और एग्जिट हो जाओ, ये रूल फॉलो किया करो हमेशा। नंबर आइडल कितने हैं ट्रेड के वो आपको मैंने अच्छे से बता ही दिया है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हैं, लेकिन आप लोगों की क्वेरी आती रहती है टेलीग्राम पे, आप लोग रेगुलर मुझसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हो, तो मेरा आपको फर्ज बनता है बताने का और आपकी सारी क्वेरी डील करने का। सो ये मैंने इस तरीके से आपको बताया, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मेरा टारगेट प्रॉफिट अचीव हुआ, सो दोनों का यहाँ पे मोटिव पूरा हुआ। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।